मैं मोहम्मद मुकीम शेख हिंदुस्तान की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस के सचिव जनाब शरीफ खान साहब, और आज ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ 87 बॉक्स पकड़े गए थे जो बहुत ही कीमती थे, उसके ऊपर FIR लॉन्च की गई है। तो आइए हम शरीफ भाई से जानते हैं कि आखिर ये किस तरह का ग्रीटिंग्स कार्ड थे और ये क्या मामला था और उससे दूसरे पार्टियों को क्या फ़ायदा होने वाला। देखिए, मोदी जी ने पिछले 5 सालों में लोगों के साथ छलावा किया और पिछले 5 सालों के अंदर इन्होंने एक भी जो वायदे किए थे पिछले 5 सालों में वो पूरे नहीं किए। उसके बाद आपने देखा होगा 87 बॉक्स जो हमारे अमर जवान शहीद हुए, देश में जो पुलवामा का अटैक हुआ, उरी का कांड हुआ, उसमें जो सैनिक हमारे वीर जवान सैनिक मारे गए, उनके जो शहीद हुए उनके नाम पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्रीटिंग कार्ड बना करके उसके अंदर जो जवानों का स्तंभ होता है राइफल और जवान की टोपी और एक मिक्स जो प्लेन है वो दिखा करके भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो साजिश सरकार है और जो उनके उम्मीदवार है इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये देश के साथ, ये रक्षा मंत्रालय के साथ, ये देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो FIR किसके ऊपर लॉन्च की गई? बिल्कुल, वो जो कार्यालय है जहाँ से 87 बॉक्स पकड़े गए हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो नेता हैं सचिन सावंत जी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पर पे इलेक्शन कमीशन को लेकर जाकर वो सारी चीज़ों को उनके संज्ञान में लाया। उसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज की और वो कार्यालय सील किया गया है और उसके आगे की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन देख रहा है। तो आपके उम्मीदवार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, हमने इलेक्शन कमीशन से मांग रखी है कि किसी भी हाल में जो देश के रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोगों को, और इस आर्मी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की मांग है और हमारे उम्मीदवार की मांग है। आज आप ईशान्य मुंबई के उम्मीदवार संजय पाटिल के लिए वोट मांगने आए हैं, तो आप किन किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पिछले जो MP थे किरीट सोमैया जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी उनको दोबारा टिकट देती। अगर उन्होंने काम नहीं किया इसीलिए कैंडिडेट को बदलना पड़ा, और कैंडिडेट अगर बदला है मतलब इसका यही है, साफ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। साथ ही साथ ईशान्य मुंबई जिला के अंदर किरीट सोमैया ने कोई नहीं काम नहीं किया, इसलिए मजबूरी में एक नगर सेवक मनोज कोटक को जो 10वीं पास है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ हमारा उम्मीदवार आजमाया हुआ है। पिछली दफ़ा में लोगों ने आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट में भेजा था, और मैं ये बताना चाहता हूँ एक शिक्षित, एक मराठी तरुण और ईशान्य मुंबई दिलों की धड़कन ऐसे संजय पाटिल जी को मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई का मराठी मानुस और सभी लोग मिल करके देश के साथ न्याय करेंगे। ये चुनाव संजय दीना पाटिल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश को बचाने वाला चुनाव है। आप मुंबई वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मुंबई को अगर बचाना है और इस देश के अंदर विकास करना है और डेवलपमेंट की गति को बढ़ाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जितने अलायंस हमारे साथ खड़े हैं उनको आपको देखना होगा। और इस देश की तरक्की में जो लोग बाधा पहुंचा रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ करोड़पति अंबानी और धन्ना सेठ लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, गरीब आदमी को, किसान को, आम मध्यम वर्गी को और छोटे उद्योग को, कष्टकार को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सभी युवा परेशान है, नौकरियां गायब हो गई है, इसलिए इस बार इस चुनाव के अंदर मुंबई वासी और खासकर महाराष्ट्र के किसान भारतीय जनता पार्टी और खासकर शिवसेना को सबक सिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।